बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कार्तिक आर्यन ने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड की कम बजट में फिल्में बनने वालों को भी काफ़ी कामयाब बनाया। इसी तरह इनकी एक फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी थी, जिसने रिलीज के बाद ही धूम मचा दी। आज की इस वीडियो में आपको अपडेट्स देंगे इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म ने रिलीज के बाद कितने करोड़ का बिजनेस किया और कितने करोड़ के बजट में ये फिल्म तैयार हुई थी। इस हवाले से मुकम्मल अपडेट्स देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करते हैं। गाइज आपको बताते चले कि फरवरी 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने मरकजी किरदार निभाए थे और इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिल्म बॉलीवुड के हदायतकार लॉय रजन की तहरीर और हदायतकारी में बनी थी इस फिल्म में। यह फिल्म 25 करोड़ बजट में तैयार हुई थी, जबकि इसने रिलीज के बाद 156 करोड़ रुपए का कामयाब बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर कहीं रिकॉर्ड तोड़ डाले। गाइस यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये फिल्म 40 दिन तक सिनेमाघरों पर चलती रही और 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने बहुत कामयाबी हासिल की थी और इन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बुलंदियों तक पहुंचाया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में जदीद मोहब्बत को एक मुनफरिद जाविये में बयान किया गया था, जिसमें दोस्ती और रिश्ते के दरमियान कश्मकश पैदा हो जाती है। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बॉलीवुड अदाकार कार्तिक आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस तरह अब वो भूल भुलैया 3 में एक बार फिर रूह बाबा के किरदार में नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी और बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिकम अग्नि से टकराएगी, जिसमें मरकजी किरदार अजय देवगन अदा कर रहे हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ये है कि ये फिल्म भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती है या फिर अजय देवगन की फिल्म सिकम अग्नि बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी। इस तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने आपको कार्तिक आर्यन की इस फिल्म के बारे में बताया, जिसने 2018 में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नई टिक के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।